नुसरत साहबा, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज भी इस तरह के अवामिल होते हैं और ऐवानों के अंदर होते हैं, उस ऐवान के अंदर जहां मुझ जैसे, आमिर जिया साहब जैसे, आप जैसे लोगों के फैसले किए जाते हैं, कौम के फैसले किए जाते हैं, वहां पर अगर खड़े होकर खवातीन के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, और उस पर एक अलग बात यह कि आपको अंदाजा हो कि आपने गलत बात की है, लेकिन उस पर यह बात कहना कि नहीं जनाब पहले उससे माफी मंगवाइए क्योंकि उसने 2 साल पहले इन लोगों के लिए ये सब कहा था, फिर आके मुझे दर्ज दीजिएगा, क्या कहेंगी आप? थैंक यू सो मच सलमान, आप पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, बोल का शुक्रिया कि आप लोग हमेशा जिस तरीके के ये इश्यूज होते हैं ना, इन चीज को हाईलाइट करते हैं, खासतौर से खवातीन के हवाले से, औरतों के साथ जहाँ जहाँ जिस जिस फोरम से ज्यादती होती है या उनकी रिस्पेक्ट को वॉयलेट किया जाता है, तो हमेशा आप लोगों ने इस पे प्रोग्राम किए, साथ दिया। वो खवातीन हमारे घर की है ना, जो घर की खवातीन है, हमारे घर की आपकी इज्जत मुकद्दम होनी चाहिए। जी बिल्कुल सलमान, और यही चीज अगर हर इंसान, हमारे वजीर आजम से लेकर जितने भी बड़ी पोस्टों पे लोग बैठे हुए होते हैं, वो फिर ब्यूरोक्रेसी हो गई या कहीं भी किधर भी जो मर्द हजरात बैठे हुए होते, अगर वो ये सोच लें कि मेरे घर में भी माँ बहन बेटी है, और अगर आज मैं किसी माँ बहन बेटी के लिए ऐसे अल्फाज या उसको ऐसी नजर से देखूंगा, या मैं उसकी तौहीन करूंगा, या मैं उसकी इंसल्ट करूंगा, या उसे किसी भी हवाले से हैरास करूंगा, तो ये अल्लाह पाक का एक कहा हुआ है कि अगर तुम किसी और की औरत को किसी के साथ करोगे तो कल कला को तुम्हारे घर पे आएगी। तो ये तो है, तो ये अब पार्लियामेंट ऐसी चीज होती है, असेंबली ऐसी जगह है जहां पर आपको एक एक लफ्ज जो बोलना होता है ना, वो तारीख बन रहा होता है, हिस्ट्री बन रही होती है। तो आप वो हिस्ट्री बना रहे हैं, आप वहां खड़े होकर किसी भी खातून को, किसी फीमेल को जो कि पार्लियामेंट में आपके बराबर है, जबकि आपने कभी भी उनको बराबर नहीं समझा, खास तौर पे जो रिजर्व सीट आती है, आप तो उनको पता नहीं क्या समझते हैं कि ये लोग पता नहीं कहां से उठ के आई, जबकि सबसे ज्यादा हार्ड वर्क वो कर रही होती है, तो फिर आप उन्हीं की तौहीन करें, उनको ऐसे अल्फाज कहें कि सारी दुनिया में, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पाकिस्तान में सुनी गई, वो इंटरनेशनली जैसे बोल सारी दुनिया में चल रहा है तो सबने सुना, तो वहां पे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना और तौहीन करना, आप क्या समझते हैं कि आपकी बड़ी इज्जत हो रही है, आपका बड़ा नाम हो रहा है? ख्वाजा साहब आप खुद सोचें, आपके घर में भी तो खवातीन है, एक लम्हे को वो भी सोच रही होंगी कि भाई ये इस तरह के अल्फाज करके इन्होंने तो हमारी भी तौहीन कर दी, तो ये सिलसिला रुक नहीं रहा। जबकि मैंने कोशिश की थी सलमान कि मैं ऐसा स्टेप लूं कि काश आगे के लिए कोई भी मर्द, कोई भी पार्लियामेंटेरियन जो इस तरह की खवातीन के लिए कोई लैंग्वेज यूज करे तो वो कुछ समझे, उसको अकल आए। मैंने उस वडेरे को अपने पैरों पे झुकाया, मैंने बड़ी जद्दोजहद की थी उसके लिए, बड़ी मुझे बहुत कुछ सुनने को भी मिला था, लेकिन ये माइंडसेट जा नहीं रहा। ये सेनेट हो, ये नेशनल असेंबली हो, वो सूबों की असेंबलीज हो, ये वहां पर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ये आवाजें उठती हैं, तो ये समझते हैं कि तकलीफ सिर्फ इनको होती है, इंसल्ट सिर्फ इनकी होती है, खवातीन के लिए कोई इज्जत या उनके कोई वो मर्तबा नहीं है, या उनके घर वाले अगर उनको इस फोरम पर भेजते हैं, उनकी पूरी फैमिली होती है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, बेटा है, पूरा खानदान है, वो इधर अगर इस फोरम पे भेजता है तो इसका मतलब है कि वो औरत खातून रिस्पेक्ट की उसकी उसको डिजर्व करती है, और उनकी अहमियत अगर क्यों जाती है ना, उनको एक तरीके से घर के मामलात भी देखने होते हैं, बच्चों की परवरिश भी करनी होती है, फिर वो बाहर आके नुमाइंदगी भी कर रही होती है, इसमें ना कोई शर्म की बात है, ना कोई ऐसी बात है जिससे उनकी तजलील की जाए, ये तो एहतराम के मामले में मर्द के मुकाबले में ज्यादा फौकियत ले जाती है। बिल्कुल जी, और जब हमारे नबी पाक, अगर आप कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, और जब उनकी उन सुन्नत पे हमें चलना है, उनकी पैरोकारी करनी है, उनको फॉलो करना है, तो फिर आप देखें तो सही कि जब अपनी बेटी के लिए वो उठकर खड़े हो जाते थे और उन्होंने ये चीज हमारे लिए एक अमल करके दिखाया, तो फिर आप किस तरह के मुसलमान हैं कि अगर खातून को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दे दी कि आप को उस जन्नत के लिए जिसके लिए आप सजदे करते रहते हैं कि मिल जाए, उसको उसके पैरों के नीचे कर दिया, तो खौफे खुदा कर लें भाई, इसमें कोई बेइज्जती नहीं है कि किसी भी औरत, किसी खातून को आप इज्जत दे दी, आपने रिस्पेक्ट दे दी, वो डिजर्व कर रही, तो आपने ठीक है, हमें मरियम नवाज के लिए बेइंतहा इज्जत है, वो भी किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, हम तो सबके लिए, हम चाहते हैं कि तमाम मर्द, तमाम खवातीन के लिए, वो किसी भी पार्टी से, बियॉन्ड द पार्टी, देखिए पार्टियां, सियासत अपनी जगह होती है, ये चीजें तो आप मिसाल कायम करते हैं,
आप अपनी तरबियत बता रहे होते हैं कि आप कहां से हैं, किधर से हैं, आपकी पार्टी आपको क्या आगे के लिए सबक दे रही है, क्या बता रही है। आपकी तरफ वापस आऊंगा। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।